उत्तर प्रदेश में अभी एक मैसेज तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें लोगों को सख्त वार्निंग दी जा रही है कि इंटरनेट पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी सर्च करने वालों पर यूपी पुलिस की नजर है। सिर्फ इतना ही नहीं, हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज में इस मैसेज में लोगों को वार्निंग दी जा रही है कि अगली बार अश्लील वीडियो देखने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि इस वायरल मैसेज की सच्चाई तो कुछ और ही निकली। हाल ही में महिला सुरक्षा के तहत हमारी सुरक्षा का शुभारंभ किया गया था, लेकिन कुछ शरारती तत्वों ने इसको अश्लील वीडियो से जोड़कर सोशल मीडिया पर एक फेक मैसेज वायरल कर दिया। हालांकि इसको लेकर एडीजी नीरा रावत ने जांच के आदेश दिए हैं। नीरा रावत का कहना है कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी से संबंधित सामग्री इंटरनेट पर सर्च करने वाले लोगों को पॉपअप मैसेज के जरिए सैनिटाइज किया जाएगा, लेकिन कुछ शरारती तत्वों ने इसी मिसकम्युनिकेशन का फायदा उठा लिया, जिसके चलते ऐसा हो रहा है। उन्होंने कहा कि इस मामले में कार्रवाई की जाएगी। दरअसल यूपी विमेन पावर लाइन 1090 की ओर से 12 फरवरी को डिजिटल आउटरीच प्रोग्राम हमारी सुरक्षा का शुभारंभ किया गया था। इसमें महिला सुरक्षा के लिए 360 डिग्री डिजिटल चक्रव्यूह का रोड मैप साझा किया गया। यूपी पुलिस ने महिला या बच्ची के साथ अश्लील हरकतें करने वालों की मानसिकता बदलने का प्लान बनाया था। इंटरनेट पर अश्लील वीडियो, पॉर्न साइट या कोई अपराध बढ़ाने वाली साइट खोलने वाले व्यक्ति का 1090 के पास अलर्ट जाएगा। इसके बाद 1090 की तरफ से उसे सावधान रहने का अलर्ट भेजा जाएगा। न्यूज़ डेस्क।